where Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has met Congress leader Sonia Gandhi today. He has taken a jibe at the Samvidhan Hatya Divas and has said that they keep on celebrating in such ways as they are known for doing this. On discussions on assembly polls, he has said that these discussions keep on happening. On Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal getting bail and still staying in jail, he has said that BJP plans are clearly visible. So, of course, that's the latest that's coming in at this point of time. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren has met with Sonia Gandhi. He's spoken on a host of subjects, including Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Of course, that's the latest. So, of course, Kanika is with us on the broadcast to give us more on this. Kanika, take our viewers through the slew of statements that have been made by Hemant Soren. देखिए बिल्कुल झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने अपने कुछ देर पहले सोनिया गांधी से 10 जनपद की मुलाकात की है। मुलाकात लगभग एक घंटे तक चली है जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अलायंस में काम करेगी और कैसे आगे की रणनीति होगी इन तमाम पहलुओं पर चर्चा भी हुई है। और हेमंत सोरेन से जब ये पूछा गया ये सवाल किया गया कि जिस तरह सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने की अधिसूचना जारी की है तो उस पर हेमंत सोरेन ने कटाक्ष करते कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है क्योंकि जो नैरेटिव संविधान के लिए बीजेपी विपक्ष ने बनाया है उसको अब नैरेटिव को चेंज करने के लिए वो है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस मुद्दे पे घेरते नजर आ रही है लेकिन अब से कुछ देर पहले हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने 10 जनपद पर सोनिया गांधी से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या रूपरेखा रहेगी किस तरह से जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा उस पर जो है चर्चा की गई है। इसके अलावा देश में जिस तरह के मुद्दे लगातार चल रहे क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे उसके बाद जब जेल से वापस आए मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री दोबारा बनने के बाद ये पहली कर्टसी मुलाकात जो है वो सोनिया गांधी से 10 जनपद के भीतर हुई है। लगभग एक घंटे तक जो है चर्चा हुई है उसमें तमाम पहलुओं पर बातचीत की गई है और आने वाले असेंबली इलेक्शन में क्या स्ट्रेटेजी होगी किस तरह से अलायंस होगा उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। बेसिकली For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.